हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज जो खबर आ रही है, बिहार में कांटेक्ट कर्मियों की नौकरी होगी पक्की, अगले हफ्ते कमेटी सौंप देगी रिपोर्ट। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या है ये अच्छी खबर, तो देखते हैं। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लगभग 5 लाख से ज़्यादा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सेवा शर्तों को तय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हाई लेवल कमेटी उनकी पक्की नौकरी की सिफारिश करने वाली है। खबरों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी अगले हफ्ते अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। हाई लेवल कमेटी ने हर पहलू का अध्ययन करने के बाद यह तय किया है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सेवा 60 साल तक स्थायी कर देनी चाहिए। कमेटी इस बात की अनुशंसा कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को रिन्यूअल के लिए अब हर साल का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता, महिलाओं को मातृत्व अवकाश और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को हटाने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करने का नियम होगा जो स्थायी कर्मियों के लिए होता है। हाई लेवल कमेटी ने पिछले साल अगस्त में सरकार को अंतरिम रिपोर्ट दी थी, लेकिन इस सूची में बेल्ट्रॉन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मियों के बारे में कोई जिक्र नहीं होने कारण कमेटी अवधि विस्तार दिया था। राज्य सरकार ने 2015 में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की मांगों को देखते हुए अध्ययन के लिए पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। मतलब ये हो गया कि अब आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे है जो कि आपको स्थायी सर्विस मिलेगी और जिनकी जो सर्विस है जो कि लेंथ के हिसाब से रहेगी और उसकी प्रक्रिया है जो कि कुछ दिनों में आएगी और सेवा शर्तों है जो कि तय किया जा रहा है इसमें। और क्योंकि 60 वर्ष तो लगभग है जो कि बिहार सरकार में है जो कि कर ही दिया गया है, और ये कम से कम ये तो है कि सेफ्टी है और ये नहीं कि बीच में आपको हटाया जाएगा और रिन्यूअल कराया जाएगा, ये सब स्टैंडर्ड से ख़त्म। और महंगाई भत्ता भी आपको फिक्स किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों में एक फिक्स वेतन होता है, और मान लीजिए कि जो RTPS के आते हैं लगभग 14,000 काट कर मिलता है तो फिक्स रहता है, और DA बढ़ा उससे इन लोगों को कोई असर नहीं रहता। लेकिन अब इनको DA और जो बढ़ती है उसके अनुसार ही और भी भत्ता है जो कि मिलेगा जो स्थायी कर्मियों के लिए है, तो बहुत बड़ी खबर है। धीरे धीरे जो कि प्रक्रिया का है जो कि पालन किया जाएगा, तो उन लोगों को निराश अब नहीं होना पड़ेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, अब कभी सरकारी नहीं होगी। तो इसी बड़ी खबर के साथ धन्यवाद।